महिला ऐसी हैं जिनके पीरियड्स नियमित नहीं हैं, लेकिन वो गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं। तो एक छोटी सी बात हम जानेंगे कि अनियमित पीरियड में भी क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, क्या ऐसे काम करने हैं जिनसे कि आपका गर्भधारण सरल हो जाए अनियमित पीरियड्स में भी। ना कोई मेडिसिन लेनी है, ना कुछ बड़ी चीज़ करनी है, चीज़ें बहुत आसान है। अपने शरीर को ऑब्जर्व करना है और सही समय का इंतज़ार करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि अनियमित पीरियड्स में कंसीव करने के मैजिकल टिप्स क्या हैं। फ्रेंड्स, जब पीरियड्स अनियमित होते हैं तो ये निश्चितता नहीं होती कि महिला के शरीर में अंडे बन रहे हैं या ओव्यूलेट हो रहे हैं, लेकिन अगर अनियमित पीरियड में भी आपको कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो आप समझ सकती हैं कि आपके शरीर में एग बन रहे हैं और वो रप्चर हो रहे हैं, ओव्यूलेट भी हो रहे हैं। तो उसके कौन से लक्षण हैं? तो फ्रेंड्स, जो लक्षण मैं आगे बताने वाली हूँ उनको अगर आप ऑब्जर्व करती हैं अनियमित पीरियड्स में भी, तो उस समय संपर्क में रहकर आप गर्भधारण सुनिश्चित कर सकती हैं। तो वो लक्षण क्या हैं, आइए जानते हैं। जब एक महिला के शरीर में अंडाशय से एग रिलीज होने वाला होता है, रप्चर होने वाला होता है, तो या तो एग बाईं तरफ की ओवरी से रिलीज होगा या फिर दाहिनी तरफ की ओवरी से रिलीज होगा। जिस ओवरी से एग रिलीज होता है उस ओर या पेट के बीच में, नाभि के नीचे जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें आपको क्रैम्प हो सकता है। ये क्रैम्प हल्का मध्यम तक हो सकता है। तो महीने के बीच के दिनों में या फिर पीरियड से कुछ दिन पहले या फिर पीरियड आने के थोड़े समय बाद आपको अगर ऐसा महसूस होता है, क्रैम्पिंग होती है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, एक सेंसिटिविटी फील होती है, आपके शरीर से पानी जैसा चिपचिपा डिस्चार्ज महसूस होता है, आपको नौजिया फील होता है, आपको हेडेक हो रहा है, क्रैम्पिंग के साथ साथ में ये सारी चीज़ें हैं, शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ा हुआ लग रहा है, तो ये सारे बड़े ही पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। और अगर अनियमित पीरियड में भी आपको ये लक्षण दिखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में अंडाशय से एग रिलीज होने वाला है और ये समय परफेक्ट है और एग रिलीज होने के अगले 24 घंटे इम्पॉर्टेंट होते हैं गर्भधारण के लिए, क्योंकि 24 घंटे की ही अवधि होती है एग के जीवित रहने की, फर्टिलाइज होने की। तो अगले 24 घंटे में आप गर्भधारण कर सकती हैं, 100% चांसेस होते हैं, तो इस समय में आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर कुछ टिप्स आप और ऐड कर दें, आपके अगर पीरियड्स अनियमित हैं तो आप अंजीर और मुनक्का की जो टिप्स हैं मैंने अपने वीडियोस में भी आपसे शेयर किया है, तो मेरे उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। अंजीर और मुनक्का आप लेंगी तो आपके अनियमित पीरियड्स भी ठीक हो सकते हैं और अनियमित पीरियड में भी आपके अंडों की गुणवत्ता, क्वालिटी इम्प्रूव होकर आप गर्भधारण कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अनियमित पीरियड की समस्या और कुछ नहीं, हमारी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल का नतीजा है। तो हम अनियमित पीरियड में गर्भधारण तो कर सकते हैं, लेकिन सही तरीकों को अगर हम फॉलो करें तो पीरियड्स हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, अपने सोने और सुबह उठने का समय आप सही करें, यूट्यूब शैली के वीडियोज़ को फॉलो करें जिनसे आपको सही तरीके, सही जानकारी आहार से रिलेटेड मिलेगी और इससे आपके पीरियड्स रेगुलर होके आपको गर्भधारण भी बहुत सरल हो जाएगा।